भारत में भगवान गणेश को समर्पित कई चमत्कारी मंदिर हैं। हर मंदिर में पौराणिक महत्व है। तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में स्थित भगवान गणेश का मंदिर भी अपनी खासियत और पौराणिक महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर मंदिर में भगवान गणेश गज रूप में विराजमान है। जो वहीं इस मंदिर में भगवान की पूजा इंसान के रूप में की जाती है। आइए जानते हैं इस मंदिर में पौराणिक महत्व और इससे जुड़ी अद्भुत कहानियाँ। मान्यता है कि भगवान शंकर ने एक बार क्रोधित होकर भगवान गणेश की गर्दन को काट दिया था। इसके बाद भगवान श्री गणेश को गज का मुख लगा दिया गया। हर मंदिर में भगवान गणेश की गज रूप में प्रतिमा स्थापित है, लेकिन आदि विनायक मंदिर में लगभग गणपति के इंसान के चेहरे वाली प्रतिमा स्थापित है। गज मुंह लगाए जाने से पहले भगवान का चेहरा का इंसान था, इसलिए विनायक मंदिर में उनके इस रूप की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक प्रसिद्ध आदि विनायक मंदिर में भगवान राम ने पीताम्बरों की आत्मा की शांति के लिए भगवान गणेश की पूजा की थी। तब से ही इस मंदिर में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने की मान्यता है। तिलकपूर्णपुरी के नाम से भी यह मंदिर दुनिया भर में जाना जाता है। लोग अपने पितरों की शांति के लिए नदी किनारे पूजा करते हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान मंदिर किया जाता है। तिलकपूर्ण का मतलब होता है कि पितरों को समर्पित शहर। आदि विनायक मंदिर में भगवान गणेश के साथ यहां पर भगवान शिव और माता सरस्वती की भी पूजा होती है। इस मंदिर में विशेष तौर पर भगवान शंकर की पूजा होती है, लेकिन श्रद्धालु आदि विनायक और मां सरस्वती की भी पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान राम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए जब पूजा कर रहे थे तो उनके रखे चार चावल के लड्डू कीड़े के रूप में बदल गए थे। भगवान राम जब जब ऐसा करते हैं तो चावल के लड्डू कीड़े के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद भगवान राम ने शिव जी से इसका हाल जानने की कोशिश की तो भगवान शंकर ने आदि विनायक मंदिर में विधि पूर्वक पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद भगवान राम ने पितरों की आत्मा शांति के लिए पूजा की। मान्यता है कि पूजा के दौरान चावल के चार पिंड शिवलिंग बन गए। यह चारों शिवलिंग आदि विनायक मंदिर के पास मौजूद भुक्तेश्वर मंदिर में स्थापित हैं, जिनकी पूजा की जाती है। बताया जाता है कि महागुरु अगस्त्य स्वयं हर संकट हर चतुर्थी को आदि विनायक की पूजा करते हैं।